स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एन आइडियल गैस, मतलब एक आइडियल गैस के लिए, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज। ठीक है, तो पहले यहाँ समझते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, देखिए आपने एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल टाइप का एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस अगर रिवर्सिबल टाइप का है तो उसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोला जाता है। ओके, तो आपने पढ़ा है दैट कि अगर मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम हम लोग ले रहे हैं, और इस सिस्टम में अगर आप हीट दे रहे हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट मान लीजिए कि दे रहे हैं इसमें, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट, डी क्यू का मतलब स्मॉल अमाउंट हो गया, डी मतलब स्मॉल हो गया, अमाउंट ऑफ हीट आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू जो है वो इक्वल हो जाता है एन सी डी टी के। ठीक है, एन क्या है आपका यहाँ पे, एन है नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, और सी यहाँ पे है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डी टी है यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। और एक बात दैट के अगर आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा तो जो एंट्रोपी होगा वो कांस्टेंट होगा। एंट्रोपी का मतलब आप पढ़े होंगे, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब होता है मेजर ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस का मेजरमेंट जो करते हैं उसको एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी अगर कांस्टेंट होगा तो डीएस मतलब कि डी का मतलब चेंज, तो स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो। अगर आपका एंट्रोपी कांस्टेंट है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए डीएस जीरो हो गया। ये दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ देख लिए, ठीक है। एंड डी एस इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई टी, डी क्यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर डी एस जीरो है तो इसका मतलब हो गया कि डी क्यू जो है वो भी जीरो होगा, डी क्यू क्या होगा, जीरो होगा, और डी क्यू का वैल्यू कितना है, एन सी डी टी, एन सी डी टी, दैट मीन्स कि यहाँ से सी जीरो होगा। तो अगर आपका प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो उस केस में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो जीरो होगा। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट, थैंक यू।